नमस्कार। विश्व के सभी वास्तु कंसल्टेंट्स को जो तोड़ फोड़ करते हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। खास तौर से उन वास्तु कंसल्टेंट्स को जो तोड़ फोड़ से ही वास्तु करते हैं, ऐसा चित्र लगा के या फोटो लगा के, कहीं उल्लू रख के किसी को उल्लू बना के चले आए, उल्लू का एक पुतला रख दिया, कहीं गुल्लू का एक पुतला लग दिया, कहीं हिरन का रख दिया, ऐसे लोगों से मैं बहुत विनती करूंगा कि ये सब छोड़ देंगे और अपने शास्त्र का नाम ऊंचा करें। आज टीचर्स डे है इसलिए मैं बोलना पड़ रहा हूँ, मुझे इस शास्त्र को बहुत ऊंचाई पे हमको लेके जाना है, ये शास्त्र को खत्म नहीं करना है। ये बहुत अच्छा शास्त्र है, अगर हमने तोड़ फोड़ से वास्तु किया 100% रिजल्ट मिलेगा। क्लाइंट को बोलो 48 घंटा, तुम बोलो 48 घंटा। मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूं कि मैं यहां पे रेमेडीज कर रहा हूं और रेमेडीज करते करते अगर आपको कुछ फर्क ना पड़े तो पैसा मत देना, बगैर पैसे का मैं वापस चलाऊंगा। तो आप भी ये बोल सकते हो और रिजल्ट आएगा। जैसे हम खेत में अन्न डालते हैं, गेहूं का अगर बीज हमने डाला तो गेहूं की खेती निकाल लिया, चावल का बीज डाला तो चावल का फल निकाल लिया। ऐसा नहीं कि चावल का फोटो आ खेत में लटका दिया तो चावल ही चावल खेत में होने लगा। प्रमाणित करो, ये बदमाश हैं, ये बेईमान हैं, ये शास्त्र के नाम पे कलंक हैं, जो उस वास्तु को बदनाम कर रहे हैं 200-400 रुपए के लिए, 2-4 हजार के लिए, अपने बच्चों के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं से दूर रहो। तोड़ फोड़ के बिना वास्तु मत करो। सामने वाला बोले नहीं तोड़वाएंगे, चुपचाप अपनी फीस लो और बाहर आ जाओ और 2-4 नंबर दे दो उनको कि भाई ऐसे बहुत से दुनिया में घूम रहे, उल्लू रख दो, गुल्लू रख दो, लाल टेप मार दो, पीला टेप मार दो, तो ये उनका नंबर दे के चले आना, क्योंकि बाद में वो आदमी ढूंढ ढूंढ के उनको मारेगा, कुत्ते की तरह मारेगा, क्योंकि कुछ रिजल्ट आने वाला है नहीं। तुमने अगर तोड़ा 5 तत्व हैं और 8 दिशाएं हैं, 16 और 32 और 64 दिशाएं नहीं है, तो 5 एलिमेंट को 8 दिशाओं में, 8 डायरेक्शन में हमने अगर बराबर बराबर बैलेंस कर दिया, इसी को वास्तु शास्त्र कहते हैं। कहीं देखो फायर कम है, वहां फायर बढ़ा दो, तो फायर कैसे बढ़ेगा? आग का फोटो या मंत्र लिखने से फायर वहां नहीं पैदा हो जाएगा, उसके लिए फायर वाला बारूद जमीन में डालना है। अब वो बारूद तुमको चॉइस करना है कि तुमको कौन सा बारूद यूज करना है, तुमको रिजल्ट देना है वहां पे, ना कि फोटो लगा के कुछ क्रिस्टल दीवालों पे चिपका के हेमा मालिनी और डॉलर का फोटो लगा के भाग आए, कुछ होने वाला है नहीं। टेप चिपका दिया, प्लास्टिक का पिरामिड लगा दिया, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैं 1996 से इस लाइन में और अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, क्योंकि फेंगशुई का भी पता नहीं बदमाशों की वजह से हुआ था। फेंगशुई एक अच्छा शास्त्र था, आज तक मुझको समझ में नहीं आया कि लाफिंग बुद्धा का सही रूप क्या था, आज तक मुझको समझ में नहीं आया 3 लेगेज फ्रॉग का सही रूप क्या था, आज तक मुझको समझ में नहीं आया कि लक्की कॉइन का सही कॉइन कौन सा था। आप मार्केट में जाओ 50 क्वालिटी के कॉइन मिलेंगे, आप मार्केट में जाओ तो 50 क्वालिटी के लाफिंग बुद्धा मिलेंगे, कोई ऐसे किए है, कोई ऐसे किए है, कोई ऐसे किए है, कोई ऐसे, कुछ नहीं, सब गलत। बंद कर दिया मैंने, तो कुछ स्टेचू रखने से या कोई प्रतिमा रखने से वास्तु होता नहीं है। भगवान की फोटो, भगवान की मूर्ति नॉर्थ ईस्ट में अपने मंदिर में डालो, ना कि उनका अपमान करने के लिए जमीनों में डाल देते हैं। बहुत से बदमाशों को मैंने देखा
और मैंने खोद के भी अहमदाबाद से निकाला है, बड़ा वास्तु वाला अहमदाबाद का ये श्री यंत्र, और इसके साथ ना जाने कितने मंत्रों की प्लेटें, वास्तु पुरुष मंडल की वास्तु देवता का मंत्र लिखा हुआ जमीनों में गाड़ के रखा हुआ था ये श्री यंत्र। बताइए इसको हम जमीन में गाड़ सकते हैं? मैं बोलता हूं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं कहता हूं ये जमीन में गाड़ने वाला यंत्र है क्या? साले तुम अपने बाप का फोटो गाड़ोगे जमीन में, तो बाप की फोटो नहीं गाड़ोगे फिर ये भगवान को क्यों तुम जमीन में डाल रहे हो? लोगों का पैर पड़ रहा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, मैंने इसको गार्डन से निकाला है, खुदवाया रात में, तो ये सब इतने सब भगवान और यंत्र सब मिले, बोले भाई पंडित जी डाल के गए थे, बड़ा वास्तु वाला, बड़ा नाम है अहमदाबाद में। मैं बहुत चक्कर में पड़ा और मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं बोला 14 साल से स्ट्रक्चर नहीं बना है, आगे भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से फिर यह स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा। सामने वाले ने बोला अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है उसकी डिजाइन से मैंने ये बंगलो बनाया है। क्या बनाया था मालूम है? साउथ साउथ वेस्ट बेसमेंट, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और साउथ वेस्ट पूरा खाली, बंगलों का लोड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, 15 लाख में तय हुआ था मेरी रेमेडीज, मैंने नहीं किया, सिर्फ औरा पाउडर डाला। साउथ वेस्ट में उसने जो है कांच का मास्टर बेडरूम बनाया।